सो वंस अगेन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तिरुपति एकेडमी। तो स्टूडेंट आप सभी के सभी जो है इतने टाइम से वेट कर रहे थे, जितने भी सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं वो है हमारे वेटेज का, ठीक है। तो अब जाके कि आप लोग ये कंफर्म मान सकते हो कि आप लोग का वेटेज क्या रहने वाला है, क्योंकि काफी सारी बातें आ रही है। एक हिसाब से आप लोग ऑफिशियली समझ सकते हो कि आप लोगों का क्या वेटेज रहेगा। और साथ साथ जाके अब आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है बोर्ड के रिजल्ट को लेकर के। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये भी बातें हम लोग जो है वो वीडियोज के आगे में हम लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बात कर लेते हैं, और वीडियो को अगर आप लोग समझना चाहते हो तो सोचने के लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। पहली बात तो बच्चों, ये आप लोगों में से जो है काफी बच्चे जो है वेटेज को लेकर के काफी टाइम से परेशान थे, क्योंकि अभी तक जो है कंफर्म नहीं हुआ था। सीबीएसई ने पहले ये कहा था कि हम लोग जो है वो टर्म वन और टर्म टू का वेटेज जो है वो 50-50% रखेंगे, बट बाद में जाकर जो है सीबीएसई का सर्कुलर आया था, उसमें इन्होंने ये कहा था कि हम लोग जो अपना जो भी वेटेज रहेगा उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जाकर के सीबीएसई टर्म वन में बहुत ज्यादा मात्रा में चीटिंग हुआ था, काफी सारे स्कूल ने जो है चीटिंग किया था, और चीटिंग को लेकर के एलिगेशन भी लगी थी बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो बोर्ड नहीं चाह रहे थे, क्योंकि काफी बच्चों का तो एग्जामिनेशन अच्छा गया था चीटिंग को लेकर के, या फिर मेहनत से लेकर के, लेकिन बच्चों ने जो है चीटिंग से अच्छा कर लिया था, लेकिन काफी बच्चे जो मेहनत करके जो है उनका अच्छा नहीं हुआ था। तो बोर्ड नहीं चाह रही थी कि किसी भी बच्चे का मेहनत बेकार हो, इसके वजह से वो जो है वो टर्म वन के वेटेज को कम करना चाह रही थी और टर्म टू के वेटेज को बढ़ाना चाह रही थी। बट अभी तक कुछ भी ऑफिशियली नहीं आया था, लेकिन अब जा करके जो है आप लोग ऑफिशियली समझ सकते हो, क्यों, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो लोग जो है वो इस चीज़ को लेकर के जो सीरियसली हो चुके हैं और कह रहे हैं कि वेटेज जो है वो चेंज करना है, टर्म टू के वेटेज को बढ़ाना है, टर्म वन के वेटेज को घटाना है, ठीक है। बेसिकली आप लोग जो है वो कंफर्म क्या मान के चलोगे, तो अब आप लोगों का जो वेटेज रहेगा वो 30-70 का रहेगा। 30% जो वेटेज रहेगा हमारा फर्स्ट टर्म का होगा, 70% जो होगा वो सेकंड टर्म का होगा, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत जल्दी ऑफिशियली सुनने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेकर के नहीं चलना है, बाकी ये तो समझ में आ गया। बाकी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ये भी कहा था कि अब आप लोगों को जो है बोर्ड के रिजल्ट को लेकर ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, अब हम लोग उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इस एग्जामिनेशन के टाइम पे बेस्ट से बेस्ट आप लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन ला रही है, यहाँ पे जाकर के जो है दी ऑफर हैज नाउ बीन एक्सटेंड कर दिया गया। अब आप लोग जो है अगर सब्सक्रिप्शन बाय कर रहे हो तो 40% का आप लोगों को ऑफ मिलेगा ऑन 3 मंथ सब्सक्रिप्शन फॉर सीबीएसई क्लास 12, यानी कि 40% आप लोगों का ऑफ हो जाएगा। जो सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस था 7500 था, अब जाके 4500 ही है, ठीक है ना। आप लोग हमारा कोड जो है वो ट्राई 10 यूज करना है, और फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर को ही जो है वो 40% ऑफ मिलेगा। तो इस चीज को जल्दी से कर लेना, से आप लोग जो अपना टर्म टू के प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, सीबीएसई क्लास 6 से लेकर अगर 12th में हो आप लोग, नो मोर ब्रेक्स इन योर प्रिपरेशन में, और ब्रेक नहीं चाहिए अपने को, पता ही बहुत जल्द अपना एग्जामिनेशन होगा। गेट 1 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री ऑन परचेज ऑफ 12th एंड अबव। अगर आप लोग 12th या फिर इसके अबव का सब्सक्रिप्शन बाय करते हो तो यहाँ पे आप लोग का 1 सब्सक्रिप्शन जो है 1 मंथ का वो फ्री में मिल जाएगा, ठीक है ना। लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इतना ही नहीं, अनअकैडमी लेकर क्या है आप लोगों के लिए, मॉक टेस्ट सीरीज फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th लर्नर, ठीक है। क्योंकि आप लोग का 26th मार्च लेकर 29th मार्च तक चल रहा होगा 5 PM ऑनवर्ड्स। इसके साथ ही जाकर के आप लोगों के लिए जो है वो सीबीएसई कॉम्बैट क्लास 9th एंड 11th के लिए लेकर के आए हैं, जो कि हर एक संडे को हो रहा होगा, अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। रिवार्ड्स आप लोगों को 1 करोड़ तक का आप लोगों को जीत सकते हैं। मेडल्स फॉर टॉप 3 रैंकर्स को मेडल भी मिलेगा, एंड मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा 25 रैंकर्स को, ठीक है ना। तो इसमें इनरोल होने के लिए भी आप लोग हमारा कोड ट्राई 10 यूज कर सकते हो, सारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से जाकर के सबको चेकआउट कर लो, सब्सक्रिप्शन जरूर बाय कर लेना, ठीक है ना। 50% आप लोगों को ऑफ मिल रहा है, ये जो है आप लोगों के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर है, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को पता ही है कि हम लोग जो है वो बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाने के पीछे रीजंस क्या होता है, हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि आप जो है वो बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाओ। देखो आप लोगों को पता ही है कि 12th के बाद जाकर के आप लोग क्या करोगे, ऑब्वियसली कॉलेज में जाओगे, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करोगे। कोई बच्चा बीएससी करेगा, कोई बीटेक करेगा, कोई बीकॉम करेगा, कोई बीए करेगा, बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करोगे, ठीक है, बैचलर डिग्री करोगे। तो उसके लिए जाकर के पहले आप लोगों का जो है वो बोर्ड के मार्क्स को कंसिडर किया जाता था। जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, हम लोग बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप लोगों में से काफी लोगों ने सुना होगा, काफी लोगों का ड्रीम भी होगा, इसमें जाकर के पहले आप लोगों का एडमिशन जो है वो सीबीएसई के मार्क्स के बेसिस पे होता था। बट अब इस साल से जो है वो पूरी तरीके से बोर्ड के मार्क्स को हटा दिया गया है, अब बोर्ड के मार्क्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब अगर आप लोग उसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आप लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा, जिस एग्जाम का नाम है CUCET, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। बिल्कुल बच्चों आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों में से काफी बच्चों ने जेईई मेंस के एग्जाम के बारे में सुना होगा, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, उसी तरीके से अब CUCET होगा अगर आप लोग कोई सा भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हो, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों का बोर्ड में कितना भी मार्क्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने के बाद जाकर उसको अच्छा कर सको, अभी जाकर के आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए बोर्ड को लेकर ज्यादा पैसा नहीं होना, लेकिन हाँ फिर भी जाकर के एक होता है, मार्क्स अच्छा आता है तो मोटिवेट होते हैं। लेकिन अब आप लोगों का जो वेटेज रहेगा वो टर्म टू का 70% रहेगा। तो टर्म वन आप लोगों का कैसा भी गया था उसे भूल जाओ, टर्म टू को लेकर के फोकस करो। बाकी आप लोग क्या चाहते हो और किस चीज पे वीडियोस चाहते हो, क्या 30:70 का रेशियो सही है या फिर कुछ और चेंजेस करना चाहते हो, सारी चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि आप लोगों का जो है एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा होगा उसके बीच में आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल वीडियो यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना
ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।